को हादसा तो संभल में हुआ, लेकिन सिसकियां पूरा प्रदेश भर रहा है। देखते ही देखते चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज में मौत ऐसी काल बनकर आई कि पूरा भवन मिनटों में भरभरा कर गिर गया और कई जिंदगियों ने उस मलबे में दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। लोगों को बचाने का काम अब भी जारी है। ठंडे घर में हादसे के बाद सिस्टम से लेकर सियासत तक गर्म है। अधिकारी से लेकर नेता तक घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन असल सवाल अब भी कायम है कि संभल की सिसकियों का असल गुनहगार कौन है। आखिर वो कौन है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल कोल्ड स्टोरेज के दो नामजद मालिकों समेत अन्य लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो चुका है। 304 धारा के अंदर चंदौसी के अंदर जो यहाँ के कोल्ड स्टोरेज के ओनर दो लोगों पे नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ है। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये एक और भी कुछ लोग इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज संचालन के साथ, यदि ये चीज प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोल्ड स्टोरेज पर मौत ने अपना ठंडा हाथ रख दिया है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल संभल केस में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। प्रदेश शासन की ओर से मंडलायुक्त के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो इसके पूरे कारणों की जांच करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मृतक के परिजनों को हम लोगों ने राज्य मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल परिवारों को भी 50,000 रुपए की सहायता देने के साथ ही जो कृषक हैं या फिर कृषि कार्य के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री उन मृतक परिवारों को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोल्ड स्टोरेज हादसे का असल गुनहगार कौन है? क्या संभल कोल्ड स्टोरेज पर दबाव ज्यादा था? क्या ओवरलोड की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? मेरठ हादसे से प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया? जाहिर है इन तमाम सवालों के जवाब का इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश को है, क्योंकि संभल के हादसे के गुनहगारों का गुनाह अक्षम्य है।